नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहिन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के द्वारा क्षेत्र में विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए विभिन्न कार्यों का किया गया भूमि पूजन और लोकार्पण। जिले भर में हर्षोल्लास से मनाया गया गुरु घासीदास जयंती, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। जनसमस्या निवारण शिविर में भाजपा पार्षद द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन, लगाए गए आरोप, कहा जनता की समस्याओं का नहीं किया जाता समाधान। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का पहली बार होगा आयोजन, 20 दिसंबर को गृह मंत्री करेंगे शुभारंभ। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बोरीगारका में आयोजित विद्यालय के वार्षिक उत्सव और भूमि पूजन व लोकार्पण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आज सोमवार को दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बोरीगारका में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्र के विधायक व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंचे और इसके साथ ही गांव के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम भी किया गया। विद्यालय में नवनिर्मित विद्या की देवी माता सरस्वती की मूर्ति का अनावरण ताम्रध्वज साहू के कर कमलों से संपन्न हुआ। इसके पश्चात विद्यालय की ओर से आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे, जहां बच्चों ने विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर मंचासीन मुख्य अतिथि व जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि ताम्रध्वज साहू का स्वागत गांव की सरपंच गुंजेश्वरी शत्रुघ्न साहू ने किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव, जनपद अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख, जिला पंचायत सदस्य योगिता चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के सरपंचगण व जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीणों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ताम्रध्वज साहू ने विद्यालय की आवश्यकताओं और ग्रामीणों की कई मांगों को मंच से ही पूरा कर दिया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने गांव के गरीब और किसान के लिए अपनी सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। किसान मन के सिंचाई कर माफ करें तेनो आप मन के सामने है। हमन ओकर से हट के बड़े बड़े योजना लागू करे हैं, जेकर जानकारी भी आप मन ल होना चाहिए। काबर ओकर लाभ जानकारी नहीं रहा तो नहीं ले पाए। जैसे इलाज कराए के लिए हमार एक योजना है, हमन आयुष्मान योजना लता आप मन जाना था, ओकर तहत कार्ड बने हैं, इलाज कराते ओकरो जब खत्म हो गए तो हमन एक डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम से योजना निकाले हैं, जिमें 5 लाख रुपया तक के इलाज कराए के सुविधा हमन देथन। ये बात आप मन बताते कर सकती हूँ कि कर लाभ जरूरत पड़े भगवान करे कोई बीमार ना हो। साला के एचएम जिन बात रखत रही से साला में सेट के लिए मांगे हैं 2 लाख मिल गए हैं, लेकिन 1.5 लाख हो लगी तब हो ही ऐसे होकर मांग आत रही से 3.5 लाख में बन ही ऐसे, तो 1.5 लाख रुपया में वो दे देवो ताकि बढ़िया सेट होकर 3.5 लाख के बन जाए। महिला भवन के बाद मैं घोषणा नहीं करता ना कोनो लहगारी मत दूँ, मैं बता भर जात हूँ। बड़े तालाब में तेहर अबड़ कन दे हस गुंजेश्वरी 15-20 ठन, तो एक साथ नहीं एक ठन काम बताओ। महिला और पुरुष सेट निर्माण 10 गात रख लिए इसे लिखे इला बनाना है पक्का ठीक है। तो एकर लिए हमन में अभी जो सेट बनवा थन महिला डहार एक ठन पुरुष डहार एक ठन। मुख्य अतिथि ताम्रध्वज साहू ने आज के आयोजन के बारे में बताया। यहाँ के डिमांड रही से मतलब सब पूरा कर देंगे। आज नया रूप से सरपंच के द्वारा और गांव के महिला समूह के द्वारा महिला भवन के मांग आए है, तालाब मन में सेट के मांग आए है, नाली निर्माण के आए है, सीमेंटीकरण के मांग आए है, बहुत सारा मांग आए है, स्कूल के भी कुछ मांग है। छोटे छोटे अभी 2-3 ठन काम के स्वीकृति दे हैं और बाकी मन ला फिर से अलग अलग विभाग से संबंधित है तो वो विभाग मन में भेजो ताकि वो योजना के भी लाभ हमारे क्षेत्र में ले सकें। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। भिलाई के वार्ड 1 जुनवानी क्षेत्र में गुरु घासीदास बाबा जी की 266वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा एवं पार्षद निधि से स्वीकृत राशि से नाली व सड़क निर्माण हेतु भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया, जिसके पश्चात शोभा यात्रा निकाली गई। नगर निगम दुर्ग द्वारा जन समस्या निवारण शिविर में समय समय पर भाजपा पार्षद द्वारा आरोप लगाया जाता है, जहां लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने की बात शासन प्रशासन द्वारा की जाती है। आज किसी तरह का शिविर वार्ड 14 से लेकर वार्ड 18 तक किया गया, जहां वार्ड 17 के पार्षद देव नारायण चंद्राकर सहित वार्डवासी बड़ी संख्या में आए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मुख्य वजह था पट्टा न मिलना, साफ सफाई न होना और वार्ड में किसी तरह का नवीनीकरण का न होना। आज जन निवारण शिविर में व्हाट्सएप तरह के पार्षद एवं वार्डवासी प्रदर्शन करते दिखे। प्रदर्शन के दौरान आयुक्त से बात करते हुए वार्ड के पार्षद ने समस्याओं का जिक्र किया।
वार्ड पार्षद ने बताया कि किस तरह पूर्व में भी शिविर लगाया गया है, जहां विधायक और महापौर के द्वारा वादा किया गया था कि पट्टे का वितरण होगा, जो कि आज तक नहीं हुआ। साफ सफाई बदहाल है, नवीनीकरण का कोई कार्य उनके वार्ड में आज तक नहीं हुआ और जिसको लेकर वार्डवासी काफ़ी आक्रोशित है, जिसे लेकर प्रशिक्षु आयुक्त ने जल्द ही समस्या का निवारण करने की बात कही। जी बताएंगे, जन निवारण शिविर पे आप लोग आए थे विरोध प्रदर्शन करने, बताइएगा पूरा मामला क्या। देखिए, नगर निगम द्वारा पिछले 19-20 माह पहले फिर से शिविर लगाया गया था, जन समस्या निवारण शिविर, जो शक्ति नगर स्कूल में लगाया था। उसके बाद वार्ड नंबर 17 में ही शीतला मंदिर में लगाया था, जिसमें हमारे महापौर, विधायक, SDM पोयाम साहब, ये सभी के सभी कमिश्नर बर्मन जी थे, वहाँ घोषणा करके भी आए थे, झुग्गी बस्ती क्षेत्र के लोगों को पट्टा देंगे। और ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी पट्टा है, 7 महीना 8 महीना अभी सिर्फ पर इसका सरकार का कार्यकाल बचा है, 7-8 महीना के अंदर दे देता तो अच्छा है, नहीं तो इसका अभी आचार संहिता लग जाएगा, फिर पट्टा नहीं मिल पाएगा। हम चाहते हैं कि झुग्गी बस्ती क्षेत्र के लोगों को जल्दी से जल्दी पट्टा दे दें, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना में इसका भी मकान बन जाए, क्योंकि ये झुग्गी बस्ती वाले क्षेत्र वाले ऐसे गरीब परिस्थिति के लोग रहते हैं, जो अपने खुद के पैसा से मकान नहीं बना पाते। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2,28,000 रुपये दिया जा रहा है, जिससे इसका भी मकान बन जाएगा, इसका परिवार सुख शांति से रहेंगे। यही मांग को लेकर के हम आज नगर निगम जन दर्शन में आए थे, अगर नहीं देगा तो हम आज भी विरोध किए हैं और आगे भी जनता के साथ जा करके विरोध करेंगे। देखिए, आप वार्ड के पार्षद हैं, विधायक या महापौर से आपकी बात हुई इस बारे में? दो तीन बार विधायक से और महापौर जी से बात हो चुकी है, कलेक्टर साहब को मालूम है, हम जनता के साथ जा करके वहाँ भी दिए हैं, जांच करवाते हैं, देंगे करके बोलते हैं, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। अपना परिचय। मैं देवनारायण चंद्राकर, वार्ड नंबर 17 कादम्बरी नगर का पार्षद। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता विधायक ट्रॉफी के 10 दिवसीय महासंग्राम का आयोजन क्षेत्र के अंडा गांव में किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ कल 20 दिसंबर को क्षेत्रीय विधायक व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे। क्षेत्र के युवाओं की ऊर्जा और उत्साह को एक बेहतर दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से विधायक ट्रॉफी के अंतर्गत दुर्ग ग्रामीण विधानसभा स्तरीय इस विराट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन क्षेत्र में पहली बार किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 20 दिसंबर को अंडा गांव में क्षेत्रीय विधायक व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू करने जा रहे हैं। 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित इस 10 दिवसीय आयोजन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है। क्षेत्र की 64 टीमें अंडा गांव के पिच पर इस महासंग्राम में आमने सामने होंगे और विजय क्रिकेट टीम को प्रथम पुरस्कार के रूप में 31,000, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 21,000 व तृतीय पुरस्कार के रूप में 11,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। इस आयोजन के बारे में विधायक ट्रॉफी के संरक्षक हर्ष साहू ने बताया। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। राज्य में भूपेश बघेल की सरकार स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। इसके साथ ही ग्रामीण हो या शहरी, सभी जगहों पर रोजगार के साथ साथ विक्रय के लिए भी मदद कर रही है। रायपुर के सरस मेला में भी कुम्हारी नगर पालिका परिषद क्षेत्र के स्व सहायता समूह के महिलाएं दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत गठित गायत्री महिला स्व सहायता एवं जय माँ शीतला स्व सहायता समूह की महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित सरस मेला में तैयार उत्पाद को विक्रय करने के लिए स्थान मिला। इस कार्यक्रम में वे समूह द्वारा निर्मित आर्टिफिशियल ज्वेलरी एवं मिट्टी के अलंकारिक बर्तनों की प्रदर्शनी सह बिक्री में भाग ले रही हैं। स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर का आभार व्यक्त करते हुए समूह की तारा अहमद एवं विद्या चक्रधारी ने बताया। मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है, हम सभी महिलाएं मिलकर के आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने और बिक्री का काम करते हैं और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तरफ से इतना बड़ा मेरे को प्लेटफॉर्म मिला, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ और कुम्हारी नगर पालिका को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को
राज्योत्सव में भी लगाने का मौका दिया गया, जहाँ से मेरे को 2.5 लाख रुपए का इनकम हुआ और यहाँ पर 2 दिन में मेरे को 10-12 हज़ार रुपए का इनकम हो गया है। लगता है यहाँ पर भी परफॉर्म मेरा बहुत अच्छा रहेगा। सभी को धन्यवाद। मुख्य नगर पालिका अध्यक्ष जी, CMO सर, CM भूपेश बघेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे राज्योत्सव में एक बार मौका दिया गया था मिट्टी का स्टॉल लगाने का, दोबारा और सरस मेला में मुझे मिट्टी के बर्तन लगाने का अवसर दिया गया। इससे मेरी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, मेरे समूह वालों की भी स्थिति सुधर रही है। मेरे साथ 8-10 लोग जो मेरे साथ काम करते हैं उनके भी सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए ग्रुप से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। 5 दिन तक आयोजित भव्य श्री पार्श्व प्रभु जन्म दीक्षा कल्याणक महोत्सव में 17 दिसंबर से अट्ठम तप के साथ पावन भूमि नकपुरा में शुरू हो गया है। आज आयोजन के प्रथम दिवस में बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण शामिल हुए। पार्श्वनाथ प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव में 16 दिसंबर की रात्रि को आदेश्वर जैन मंडल परिवार दुर्ग के नेतृत्व में पहली बार सांस्कृतिक भक्ति को परमार्थ भक्ति परिमार्जित करते हुए गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से अधिक भक्तों ने नृत्य व संगीत के साथ भक्ति की। इस दिन अट्ठम तपस्वियों की उत्तर पारणा भी शुरू हो गई। शास्त्रों में कहा गया है कि पवित्र नदियों के जल से परमात्मा का अभिषेक करना चाहिए, इसलिए अनुसरण करते हुए सुबह पीपर छेड़ी में शिवनाथ के तट में स्नात्र पूजा के साथ ही देश भर की विभिन्न नदियों के जल को लेकर ट्रस्टी मूलचंद जैन के नेतृत्व में जुलूस के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें संस्था के विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के साथ साथ रसमड़ा, पचपेड़ी व आसपास के ग्रामीणों में स्वफूर्त अपना योगदान दिया। इसके पश्चात पूज्यवरों का प्रवचन हुआ। इसके पश्चात दोपहर में संचित जल से शुद्धि के लिए 18 अभिषेक महापूजन का आयोजन हुआ। दिन भर हुए विभिन्न आयोजनों में देश भर से गहरी आस्था के साथ भक्तगण शामिल हुए और महोत्सव में आनंदमय हो गए। हम लोग 101 नदियों के जल से मेरु पर्वत पर नकपुरा तीर्थ में बना हुआ है, वहाँ भगवान का अभिषेक करते हैं और 3 दिनों तक यहाँ के जल का भी सब उससे भगवान का अभिषेक किया जाएगा। लगभग 35 वर्ष पूर्व ये कलश यात्रा शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य यही था कि सब आसपास के लोग भी जुड़ें और एक भक्तिमय वातावरण पूरे क्षेत्र में बने, इस दृष्टि से ये कलश यात्रा शुरू की गई थी और बहुत अच्छे उल्लास के साथ 35 साल से कलश यात्रा चल रही है। अभी भगवान का जो जन्म है, जन्म कल्याणक है, कल 18 तारीख को उसको पौषपदी दशमी और 11 को अगले दिन जो है 19 को उनका दीक्षा कल्याणक है, मतलब भगवान का जन्मदिन और दीक्षा का दिन, उसका उत्सव हम 3 दिन का मनाते हैं, लेकिन इस बार ये 4 दिन का हो गया। कल रात को करीब 150 बच्चों ने गरबा से भक्ति करी भगवान की, करीब 8 बजे से लेकर 11:30 12 बजे तक के बहुत ही शानदार भक्ति हुई है। तो बहुत उत्साह के साथ भगवान का जन्मदिन, जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक मनाते हैं। आज दिन भर के कार्यक्रम क्या क्या होने वाले? आज अभी कलश यात्रा जाएगी, उसके बाद अभिषेक वहाँ पूजा होगी और उसके बाद दोपहर के पूजा होगी और रात को भक्ति होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish.
This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Barat Swagat, including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत संत कुमार केसकर, गुरु घासीदास सेवा समिति सेक्टर 6 पूर्व अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। विनीत राजेंद्र साहू अध्यक्ष, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ग्रुप व प्रदेश महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी। बाबा गुरु घासीदास जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत शैलेंद्र बांधव, छत्तीसगढ़ टेंट हाउस। बाबा गुरु घासीदास जयंती की सभी प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। विनीत एनके बंछोर, डीएसपी ऑफिसर एसोसिएशन अध्यक्ष। सभी प्रदेशवासियों को बाबा गुरु घासीदास जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत एलडी भारती, भारती फैब्रिकेशन एवं ट्रांसपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जामुल क्षेत्र में एक गाय को प्रसव पीड़ा के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए गौ सेवक व बजरंग दल जिला महामंत्री दीपक यादव ने फौरन गाय का उपचार करवाया, जिसे अब गाय पूर्णतः स्वस्थ है। गौ सेवक दीपक यादव के द्वारा पशुओं के संरक्षण के लिए कई नेक कार्य किए गए हैं। ज्योरा सिरसा के भटगांव में सतनामी समाज के द्वारा हर्षोल्लास के साथ गुरु घासीदास जी की जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम घासीदास जी की पूजा अर्चना कर भव्य रैली का शुभारंभ किया गया, जहां समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहां इस कार्यक्रम के बारे में समाज के लोगों ने विस्तार से ग्रैंड न्यूज को जानकारी दी। देखिए, हम इस यात्रा में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेके भी चल रहे हैं और नशा पान से दूर रहने का भी कर रहे हैं और जीव हत्या का भी जो है हम बाबा जी के संदेश को शामिल करके चल रहे हैं। तो हम अपनी बेटियों को भी आज हर जगह अग्रिम पंक्ति में चाहते हैं, ये संदेश हम ये इस यात्रा के माध्यम से देना चाहते हैं। मोर नाम ऋषि टंडन है। मैं सतनामी समाज के साधारण एक कार्यकर्ता हूँ। आप सबला जय सतनाम। बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय। आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ और भारत में बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के पर्व की शुरुआत सतनाम संदेश यात्रा से आज पूरा प्रदेश में सतनाम में गुंजामन होते। उसी कड़ी में हमारे अहिवारा विधानसभा के ग्राम भटगांव में पूरा मानव समाज ले के हम मन के एक हो के संदेश ये बाबा गुरु घासीदास विश्व वंदनी प्रातः स्मरणी जिन देरी से 1756 में जगह जन्म हुई सोकर खुशी ला मनाए बर छत्तीसगढ़ के 36 समाज मिल के आज मनावा थन। और ये आपके समाचार चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पूरा प्रदेश ला बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के गाढ़ा गाढ़ा बधाई। सबके जीवन में बाबा गुरु घासीदास सत्य प्रकाश और ज्ञान भर के ये छत्तीसगढ़ ला खुशहाल और समृद्ध बनाए, मैं यही कामना करता हूँ। भावना रैली जो है घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में आज सद्भावना रैली निकाली गई है। उसमें हमारा नारा है बेटी बचाओ बेटी को शिक्षा दो, भ्रूण हत्या मत करो, शराब सेवन मंदिरा मांस सेवन बंद कीजिए। श्री पार्श्व प्रभु दीक्षा कल्याणक महोत्सव के आयोजन के द्वितीय दिवस पर जिले के तपोभूमि नकपुरा में 108 नदियों के जल से भव्य जन्माभिषेक हुआ, जिसमें साक्षी बनने के लिए श्रद्धालुओं का अपार जनसमूह पहुंचा। श्रमणकालीन साधना की पवित्र तपोभूमि नकपुरा में चल रहे श्री
पार्श्व प्रभु जन्म दीक्षा कल्याणक महोत्सव के द्वितीय दिवस पर तीर्थपति जिनालय से वरघोड़ा तीर्थ मेरु पर्वत मैदान में स्नात्र महोत्सव प्रभु जी का 108 नदियों के जल से भव्य जन्म अभिषेक से आयोजन की शुरुआत की गई। इसके पश्चात पूज्य वरों का प्रवचन, जन्म कल्याणक उत्सव, अष्ट मंगल दर्शन एवं 14 सपनों का अवतरण का आयोजन किया गया। तो वहीं अपार जन्म समूह की उपस्थिति श्री 108 पार्श्वनाथ महापूजन के साक्षी बने। रात्रि में परमात्म भक्ति का विशिष्ट आयोजन एवं कुमारपाल महाराज के सानिध्य में स्वद्रव्य से तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक महाआरती की गई। आराधकों की आराधना में हृदय स्पर्शी आनंद अनुपमता का संचार हुआ। इसके प्रिय श्री पार्श्वनाथ प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव में साधार्मिक भक्ति के लाभ के लिए श्रद्धालुगण बड़ी संख्या में पहुंचे थे। जन्म कल्याणक महोत्सव पर पहुंचे आचार्य श्री हेमरत्न विजय मसा के शिष्य विराग रत्न विजय मसा आदि ने बताया कि श्री पार्श्व प्रभु जी की प्रेरणा से जीवन कैसा होना चाहिए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि विराट रत्न विजय मसा पूर्व में छत्तीसगढ़ के ही दुर्ग जिले के एक गांव के निवासी थे। अन्य समाज से होने के बावजूद भी बचपन से ही उनकी गहरी आस्था जैन धर्म में रही और 40 वर्ष पूर्व उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की। अब वे देश भर में तीर्थंकरों की वाणी से सबका जीवन कृतार्थ कर रहे हैं। गुजराती में अट्ठम बोलते हैं, उनका हर जगह ऐसे कल्याणक होता है। संखेश्वर में आज कम से कम 5,000 से भी ज़्यादा अट्ठम वाले होंगे। परमात्मा का पौष दशमी का मेला हर जगह लगता है, आज उनका खास ये है। लोगों को उनके जीवन से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? लोगों को जीवन से तो क्या है कि देखो, परमात्मा जो है उनके जीवन से अपन को प्रेरणा लेना है तो राग सारा जगत या तो उनका है, सारा जगत उनका है या तो कोई किसी का नहीं है। और प्रेरणा लेना है तो मोह माया के बंधन में से मेरे को निकलना है। मैं मनुष्य जन्म के आया हूँ, मनुष्य जन्म में तो यहाँ से मेरा कर्तव्य क्या है, यहाँ से ऊंचा गुण प्राप्त करके मेरे को ऊपर चढ़ना है। क्योंकि सीढ़ियाँ 14 है, उसमें से अपन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवा, साधु का गुंठाना छठवा और सातवा रहता है। तो अपन को कहाँ सर करना है, 14वें तक पहुँचना है। पर ये काल अभी उनको ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा छठवा और सातवा होता है, उससे ज़्यादा अभी के काल में यहाँ नहीं है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले में गौ तस्करी रोकने गए एक युवक को गौ तस्करी के द्वारा अपने वाहन से रौंदने का मामला सामने आया है। इस घटना में बीती रात युवक की मौत हो गई। वहीं आज शाम बड़ी संख्या में गौ सेवकों ने थाने का घेराव कर इंसाफ की मांग की है। बीते शनिवार की रात राजनांदगांव शहर के गौ सेवकों को सूचना मिली थी कि ग्राम डोड़िया के फार्म हाउस से वाहन में गौवांश की तस्करी की जाएगी। सूचना के आधार पर गौ सेवक ग्राम डोड़िया के समीप बताए गए फार्म हाउस के पास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वाहन नंबर के आधार पर एक मेटाडोर वाहन को रोकने का प्रयास, लेकिन चालक द्वारा वाहन नहीं रोका गया। वहीं कुछ दूर पर खड़े अन्य गौ सेवकों द्वारा भी उक्त वाहन को रोकने का प्रयास किया गया और इस दौरान दो गौ सेवकों को दुर्घटनाग्रस्त करते हुए वाहन तेजी से आगे बढ़ गया, जिसके बाद अन्य गौ सेवकों ने अपने दोनों दोस्त सोनू मंडावी और संदीप साहू को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, जहां संदीप साहू की मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आज देर शाम बड़ी संख्या में गौ सेवकों ने बसंतपुर थाने का घेराव किया। बजरंग दल के युवा संयोजक सुनील सेन का कहना है कि गौ तस्करी की सूचना पर गौ सेवक तस्करों को रोकने गए थे, लेकिन गौ सेवकों को ही निशाना बनाकर हत्या की गई है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो घटना है, हमें एक माध्यम से सूचना मिली कि गांव ग्राम भोड़िया, जहां पर सुजीत ठाकुर व्यक्ति का एक फार्म हाउस है, जहां पे वो गैया गौ माता को जमा करके रखता है, वो रात में गौ माता का लेकर निकलने वाला है करके हमें सूचना प्राप्त हुई। तो हम लोग सभी दोस्त मिलकर, 8-10 दोस्त मिलकर हम लोग जगह में पहुँचे, हम लोग देखने के लिए कि क्या वास्तविकता है करके। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो उधर से वो गाड़ी लेके वापस आ रहा था। कितने लोग को आपने पकड़ा है, क्या मामला है और कितने, कौन घायल है और कौन खत्म हो गया और क्या धारा लगी है? कल रात को लगभग 11 बजे यहाँ राजनांदगांव के कुछ लड़के जो है गौ सेवक बता रहे हैं अपने को, इन लोग पुलिस को सूचना दिए बिना, इनको कहीं से सूचना प्राप्त हुआ कि गौ तस्करी वाला गाड़ी गाय भरने के लिए गया है, ऐसा इन्होंने सूचना लिया और उस सूचना का परख किए बिना वहाँ पहुँचे। ये डोढ़िया गांव के पास इन लोगों ने फिर रास्ते में गाड़ी आने का इंतजार कर रहे थे, सामने से गाड़ी जो इनको बताया गया था गाड़ी आते दिखाई दिया।
इस घटना के बाद मामले की जानकारी बसंतपुर पुलिस को दी गई और पुलिस ने उक्त वाहन को जब्त करते हुए चालक को अपनी अभिरक्षा में लिया है। वहीं पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। इधर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर इंदिरा नगर वार्ड के लोगों सहित बड़ी संख्या में गौ सेवकों ने थाने का घेराव करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर कई आरोप लगाए और राजनांदगांव में भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक की जानकारी दी। 125 दो दिवसीय भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक है प्रदेश के, और उनके साथ ही साथ दो दिन के कार्यक्रम में पदाधिकारी तो रहेंगे ही, जितने प्रतिनिधिगण रहेंगे 24 तारीख को ही आ जाएंगे और एक दिन का उनका पूरा प्रवास राजनांदगांव जिले के विभिन्न शक्ति केंद्रों में सुबह से शाम तक बैठ के रह के लोगों से मिल के वहाँ चल रही गतिविधि संगठन के बाकी विषयों पे पूरी जानकारी लेंगे और जो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्ययोजना है उस कार्ययोजना का कितना क्रियान्वयन हो रहा है इस विषय को लेकर भी हमारे प्रतिनिधि दिन भर रह के एक दिन का पूरा समय वो देंगे और वापस 24 को लौट के फिर 25 को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में आगामी कार्यक्रम के संबंध में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, बेमेतरा कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने आज बेमेतरा शहर के निकटवर्ती ग्राम लोलेसरा में 24 से 27 दिसंबर 2022 तक 4 दिवसीय आयोजित होने वाले संत समागम मेला स्थल का निरीक्षण किया। हर साल एक विशाल सम्मेलन मेला लगता है, काफ़ी प्रशासकीय और प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, उन सभी को रिव्यू करने के लिए आज यहाँ पे स्पॉट पे मीटिंग हमने कंडक्ट किया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी आने की संभावना है, तो उसके मद्देनजर सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से आज चर्चाएं हुई हैं और हम इसके लिए और हमारा जो पूरा तंत्र है वो सीरियस है और सारी व्यवस्थाएं समय में पंत हजूर श्री उपमुनि नाम साहब स्मृति मेला हर साल की तरह इस साल भी होना है। 24 तारीख से मेला प्रारंभ होगा और 25 तारीख को मेले में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाएंगे, उसको लेकर जिले के कलेक्टर एसपी के साथ पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेले की व्यवस्था। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही, अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।